हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है हाउ टू ड्रॉ इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ एन इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक इलिप्स ड्रॉ करना है जिसका मेजर एक्सिस 100 mm रहेगा और जिसका माइनर एक्सिस 50 mm रहेगा। और ये इलिप्स कौन से मेथड से ड्रॉ करना है वो यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है कि ड्रॉ दैट इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। और फिर पूरा इलिप्स ड्रॉ होने के बाद हमें उसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, तो वो भी हम एट द लास्ट ड्रॉ करेंगे। इलिप्स ड्रॉ करने के लिए नंबर ऑफ मेथड्स है, जैसे फर्स्ट है इलिप्स बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड, दूसरा है इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, तीसरा है एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड इट मींस बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, चौथा है एलिप्स बाय पैरेललोग्राम मेथड और पांचवा है एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड एंड एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड इट मींस बाय ऑब्लॉन्ग मेथड के नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहां से देख लीजिएगा, इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। आज हमें जो एलिप्स ड्रॉ करना है वो बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से ड्रॉ करना है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से ड्रॉ करते समय दो मेथड आएंगे। पहला मेथड हम आज के वीडियो में बता रहे हैं और जो दूसरा मेथड है वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो ये दोनों वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलो फिलहाल हम ये एलिप्स अगर ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें एलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जनरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो वो पहले हम यहां बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लिया है 100 mm का, तो ये हम इसको नेमिंग दे देंगे, दैट इज ए बी। और अब हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे क्योंकि माइनर एक्सिस हमें सेंटर पे ड्रॉ करना है, तो ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिए। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो हम प्रोटेक्टर सेंटर पे रखेंगे जहां पे हमने लिए थे और सेंटर, और यहां पे हम क्या करेंगे माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। माइनर एक्सिस दिया है 50 mm का, तो हम क्या करेंगे 50 का आधा इट मींस 25 mm ऊपर ले लेंगे और 25 mm नीचे ऐसा ले लेंगे। तो ये देखिए, ये हम माइनर एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं और फिर हम माइनर एक्सिस को नेमिंग दे देंगे, दैट इज माइनर एक्सिस सीडी। तो ये देखिए, ये हमने माइनर एक्सिस बना दिए, हम इसको कहेंगे सी एंड डी, ठीक है। तो ये है माइनर एक्सिस सीडी और ये जो सेंटर है इसको हम कहेंगे ओ, ठीक है। तो ये है मेजर एक्सिस 100 mm का, माइनर एक्सिस 50 mm का। और अब हम यहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का अगर यूज करेंगे तो देखो, जाहिर सी बात है नेमिंग जो मेथड है, मेथड का नाम है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, तो ऐसे में आपको सर्कल ड्रॉ करना जरूरी है। तो चलो हम यहां पे सर्कल बनाएंगे। तो पहले हम मेजर एक्सिस का सर्कल बनाएंगे, फिर हम माइनर एक्सिस का सर्कल बनाएंगे। और सर्कल ड्रॉ करना काफी आसान है, उसके लिए आपको कंपास का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे हम कंपास ले लेंगे और कंपास का यूज करके, और जो आप सर्कल बनाएंगे वो आपको फेंट ड्रॉ करना है, ज्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, जो एलिप्स आप ड्रॉ करोगे एट द लास्ट उसको आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन रहेगा, जो सर्कल वगैरह, सर्कल को डिवाइड करना वगैरह, वो आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये हमने सबसे पहले कंपास लेंगे। कंपास में आपको डिस्टेंस क्या लेना है, देखो जो मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस है, मेजर एक्सिस का हाफ क्या है AO, ठीक है। A से लेके O जो मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ है वो हम कंपास में ले लेंगे। तो ये देखिए, मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ हमने कंपास में ले लिए और अब क्या करना है, कंपास का सेंटर हमें O पॉइंट पे रखना है और यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये मेजर इसका सर्कल बन जाएगा। तो ये हमने कंपास का सेंटर ओ पॉइंट पे यहां रखे और अब हम यहां पे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने मेजर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ कर लिया है और अब हम माइनर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो माइनर एक्सिस के सर्कल के लिए जो माइनर एक्सिस का हाफ लेंथ है वो हम कंपास में लेंगे। तो माइनर एक्सिस है 50 mm, तो उसका हाफ लेंथ हो जाएगा 25 mm, तो वो हम यहां पे कंपास में ले लेंगे। तो ये देखिए, जो उसका हाफ लेंथ है कंपास में हम ले लेंगे 25 mm का, तो ये हमने ले लिए। और अब कंपास का सेंटर फिर से हमें ओ पॉइंट पे रखना है, तो ये हम कंपास का सेंटर ओ पॉइंट पे रखेंगे और यहां पे माइनर एक्सिस का जो सर्कल है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों का सर्कल यहां पे कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम ये सर्कल्स को डिवाइड करेंगे। सर्कल को हम यहां पे 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो बड़ा जो सर्कल है उसको भी हम 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो छोटा सर्कल है उसको भी हम 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वैसे आप इसको 8 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको इलिप्स ड्रॉ करने के लिए जितने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उतना अच्छा है, तो उसके लिए आपको सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। अब सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है,
या तो आप कंपास का यूज करके डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल लेके डिवाइड कर सकते हैं, चॉइस पूरा आपका है। देखो अगर आपको प्रोटेक्टर का यूज अगर आपको करना है तो प्रोटेक्टर का यूज करके आप 30-30 डिग्री के एंगल्स लेंगे। आपको प्रोटेक्टर यहां पे ऐसा बीच में ऐसा सेट करना है और 30-30 डिग्री का 30, 60, 90, 120, 150, 180 इस तरह से आपको जो है 12 पार्ट्स टोटल मिल जाएंगे आपको प्रोटेक्टर का अगर यूज करना है तो। फिर प्रोटेक्टर का यूज करने के बाद ये देखिए सर्कल कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। देखो हम आपको यहां पे थोड़ा सा रफ में बता रहे हैं, ये देखिए सर्कल जो होता है अगर आप प्रोटेक्टर बीच में रख लेते हैं तो आपने 30 डिग्री का एंगल लिए तो ऐसा एक लाइन बनेगा 60 डिग्री के एंगल पे, देन 90 डिग्री के एंगल पे, देन 120 डिग्री, देन 150 डिग्री, देन 180, देन इस तरह से आप 30-30 डिग्री के एंगल्स लेंगे तो इस तरह से ये टोटल 12 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। आसानी से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपास का यूज करके डिवाइड करना है तो कंपास का भी यूज हो सकता है। देखो कंपास का यूज करके कैसे डिवाइड करना ये हम आपको यहाँ बता रहे हैं, काफी सिंपल है। तो उसके लिए ये देखो हमने कंपास ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बड़ा जो सर्कल है हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 12 पार्ट में। तो बड़े सर्कल को अगर आपको 12 पार्ट में डिवाइड करना है तो सबसे पहले एक काम करेंगे, छोटे सर्कल में ये जो लाइन है सी और डी इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। डी को जो है उसको हम यहाँ पे नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देखो ये डी के लाइन को हम नीचे एक्सटेंड कर रहे हैं, इट मीन जो माइनर एक्सिस है हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो बड़े सेमी जो बड़ा सर्कल है उसके ऊपर उसके पार्ट्स आ जाए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इससे ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे जो हमने मिटाए थे सी एंड डी, और अब हम कंपास का यूज करके डिवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपास में आपको सर्कल का रेडियस ले लेना है, सर्कल का रेडियस जो भी सर्कल को आपको डिवाइड करना है। तो अगर आपको बड़े सर्कल को डिवाइड करना है तो बड़े सर्कल का जो भी रेडियस है इट मीन एओ का लेंथ, ये हमने कंपास में ले लिए। ये देखो ये हमने कंपास में एओ का लेंथ इस तरह से ये ले लिए है, ठीक है, कंपास में रेडियस का लेंथ ले लिए। और अब आपको क्या करना है, कंपास का सेंटर ए पॉइंट पे रखना है। तो ये देखो कंपास का सेंटर हम ए पॉइंट पे रखेंगे, यहां ऊपर कट करेंगे और फिर से कंपास का सेंटर ए पॉइंट पे रख के हम यहां नीचे कट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल यही सेंटर कंपास का अब हमें यहां नीचे रखना है और फिर से यहां पे इधर राइट में और इधर लेफ्ट में इस तरह से कट करना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से डिवाइड हो रहा है। फिर हमें कंपास का सेंटर बी पॉइंट पे रखना है और बी पॉइंट पे रख के उसी तरह से ये देखिए ये हम ऊपर और नीचे इस तरह से डिवाइड करेंगे। कंपास में रेडियस का जो लेंथ है वो आपको लेके इस तरह से ये डिवाइड करना है, देखो ये। और अब लास्ट ऊपर के पॉइंट पे हम कंपास का सेंटर रखेंगे और ये देखिए फाइनली इधर राइट और लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे ऐसे आर्क बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे आर्क ड्रॉ करना है, ज्यादा बड़ा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए फाइनली हमने बड़ा जो सर्कल है उसको हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे जैसा हमने कहा आप प्रोटेक्टर का यूज करके 30-30 डिग्री के एंगल्स लेके इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बड़े सर्कल को डिवाइड किए, बिल्कुल उसी तरह से छोटे सर्कल को भी डिवाइड करना है। तो छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो हम कंपास में ले लेंगे। तो ये देखो छोटे सर्कल का रेडियस हमने कंपास में ले लिए और अब कंपास का सेंटर आपको ये पॉइंट पे, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे सभी पॉइंट पे रखना है। जैसे बड़े सर्कल को डिवाइड किए बिल्कुल वैसे ही छोटे सर्कल को भी हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने दोनों सर्कल्स को 12-12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है बाय यूजिंग कंपास। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, देखो ये है वो वीडियो। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप याद से देख लीजिएगा, ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इससे आपको सर्कल को नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के प्रॉब्लम पे आते हैं। फिलहाल हमने दोनों सर्कल्स को 12-12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और अब इसके बाद क्या करना है वो आप सुनो। जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड में दो मेथड आएंगे, तो पहला मेथड हम आज के वीडियो में बता रहे, तो पहला मेथड अब यहां से स्टार्ट होता है। अब आपको क्या करना है कि बड़े सर्कल के जो पार्ट्स है वहां से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है और जो छोटे सर्कल के जो पार्ट्स है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है और फिर जो उनके क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स को मार्क करके वहां से आपको इलिप्स ड्रॉ करना है। देखो ये सब कैसा होता है, काफी सिंपल है। तो बड़ा सर्कल का ये जो पार्ट है, देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और छोटा सर्कल का ये जो पार्ट है यहां से, ये फर्स्ट पार्ट, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए। तो ये देखिए ये हम इस तरह से, और ये आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। ये देखिए ये हम छोटे सर्कल के फर्स्ट पार्ट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से यहां पे
ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल चुका है, यहां से वर्टिकल लाइन और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल चुका है। और अब उसी तरह से ये सेकंड पार्ट, बड़े सर्कल का ये सेकंड पार्ट और छोटे सर्कल का ये सेकंड पार्ट, तो जो सेकंड पार्ट है वहां से बड़े सर्कल के पार्ट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और छोटे सर्कल के पार्ट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से यहां पे क्रॉस हो रही है, देखो हमें सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट यहां पे मिल गया, ये पहला क्रॉस सेक्शन पॉइंट, ये दूसरा। देखो अब नेक्स्ट पार्ट यहां पे है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लो और बड़े सर्कल का नेक्स्ट पार्ट यहां पे है, यहां से वर्टिकल लाइन लो, ठीक है। तो ये आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और ये लाइंस आपको जैसा हमने कहा पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल दैट इज मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को, और इसके लिए आप रोलर स्केल का यूज करो या आप मिनी ड्राफ्टर का यूज करो, अच्छा रहेगा। तो ये देखिए हम फिर से नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये बड़े सर्कल के नेक्स्ट पार्ट से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ऊपर साइड में सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए हैं, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल नीचे कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये देखिए नीचे में बड़े सर्कल का ये फर्स्ट पार्ट और छोटे सर्कल का ये फर्स्ट पार्ट, तो बड़े सर्कल के पार्ट से हमें क्या करना है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और छोटे सर्कल के पार्ट से हमें क्या करना है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमने यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट निकाल लिए। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से करना है, वर्टिकल लाइन बड़े सर्कल के पार्ट से और हॉरिजॉन्टल लाइन छोटे सर्कल के पार्ट से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, यहां पे भी ये बड़े सर्कल के पार्ट से वर्टिकल लाइन और ये छोटे सर्कल के पार्ट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। और ये आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है, जैसा हमने कहा था फेंट पेंसिल आपको 4H का यूज करना है, ठीक है। 4H का भी यूज कर सकते हैं, 2H का भी पेंसिल यूज कर सकते हैं, 2H और 4H दोनों फेंट होते हैं। तो फाइनली सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को अब हम मार्क कर लेते हैं, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, देन ये C पॉइंट से पास होगा, देन ये नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट यहां पे, देन ये देखिए B से पास होगा। तो ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमने ये मार्क कर लिया है और अब हमें क्या करना है, ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हुए यहां पे एक कर्व ड्रॉ करना है, जो कर्व हमें मिलेगा वही होगा हमारा एलिप्स। और ये कर्व ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन करो, ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करो। अगर आप फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, काफी स्मूथ और अच्छा कर्व बनेगा। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन फ्रेंच कर्व का यूज आपको करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। फिलहाल इतना बड़ा फ्रेंच कर्व तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको फिलहाल फ्री हैंड यहां पर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने सभी पॉइंट्स को यहां फ्रीली ज्वाइन कर लिया है और ये हमें जो कर्व मिला है ये है एलिप्स, और ये आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। ये जो हमने बनाया है ये बहुत अच्छा नहीं बना है, वो इसीलिए क्योंकि हमने ये फ्री हैंड ज्वाइन किया है, कुछ कम ज्यादा यहां पर कर्व हुआ होगा, लेकिन जब आप इसको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करना, काफी अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा, ठीक है। तो हमने एलिप्स तो बना लिए, यहां पर हमने क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो है उसको हमने नेमिंग भी दे दिया है, P1, P2, P4, P5, यहां पर हमने P3 नहीं लिखे क्योंकि यहां पे पॉइंट का नाम C है, तो आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, P3 नहीं लिखे तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है वो। देन यहां पे P6, P7, P8, P9, P10, P11 और इस तरह से ये हमने एक कंप्लीट एलिप्स यहां पे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये जो हमने यहां पे एलिप्स ड्रॉ किया है, अब हमें इसके ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। तो चलो हम यहां पे कोई ना कोई एक पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कहां पे ड्रॉ करना ये पूरा चॉइस आपका है। चलो हम एक काम करते हैं, हम ये P2 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, P2, ये जो P2 है इसके ऊपर। तो अगर हमें यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको एलिप्स पे फोकस आपको पहले मार्क करना होता है। यहां कहीं फोकस आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यहां पे आपको फोकस इट मीन जो फोसा है वो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम सबसे पहले यहां पे फोसाए मार्क कर लेते हैं। फोसाए मार्क करना काफी आसान है, उसके लिए आपको कंपास का यूज करना है, बिना फोसाए के आप टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फोसाए मार्क करना देखो काफी आसान रहेगा, कंपास हमने ले लिए, कंपास में आपको मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ ले लेना है। तो यहां पे AO जो है वो है मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ, तो ये हमने AO का लेंथ, मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ कंपास में ले लिया है। कंपास का सेंटर आपको सी पे रखना है और ए के तरफ और बी के तरफ जो मेजर एक्सिस है उसके ऊपर कट करना है। तो ये देखो हमने कंपास का सेंटर सी पे रखा और बी के तरफ जो मेजर एक्सिस है उसके ऊपर हमने ये कट किया, देखो यहां पे कट गया। उसी तरह से कंपास का सेंटर हमने सी पे रखे और ए के तरफ जो मेजर एक्सिस है उसके ऊपर हम कट करेंगे, ये देखिए यहां पर कट गया। जहां पर भी कटा है वही है फोकस, तो फोकस कहो या फोसाई कहो, तो यह है फोसाई F1
और ये है फोसाई F2। ठीक है, अब इसके बाद ये जो P2 पॉइंट है जहां पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है, इसको फोकस F1 और F2 से ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये आपको फिलहाल फेंट ज्वाइन करना है, तो ये देखो हमने ये फोकस F1 से ज्वाइन किए और यहां से फोकस F2 को हमें ज्वाइन करना है। देखो ये हमने पॉइंट P2 को हम F1 F2 से ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमने ज्वाइन कर लिए। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये जो F1 और F2 का ये जो भी एंगल है उसके बीच में एंगल बाइसेक्टर, देखो कुछ ऐसा है ये, देखिए ऐसा कुछ है, हम यहाँ पे आपको अलग से साइड में बता रहे हैं। ठीक है, इधर F1 है, इधर कहीं F2 है और इधर पॉइंट P2 है। ठीक है, ऐसा है ना ये, ठीक है, F1 P2 और F2 ऐसा है, ये देखो F1 P2 और F2, तो इनके बीच में हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर जो आप बनाओगे वही हो जाएगा नॉर्मल। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना इट मींस इनके बीच में एक, ये देखो इनके बीच का एंगल आपको पहले चेक करना पड़ेगा और उसके हाफ एंगल पे आपको ऐसा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे एंगल चेक करने के बजाय आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको कंपास का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, काफी आसानी से हो जाएगा। चलो हम यहां पे कंपास का यूज कर लेंगे। तो कंपास का यूज करेंगे तो ये हमने कंपास ले लिया, कंपास में कुछ भी डिस्टेंस यहां पे ले लो, जो आपका मन करे वो आपको डिस्टेंस लेना है। तो ये हमने कंपास में ये कुछ ऐसा डिस्टेंस ले लिए, कुछ भी ले लो, कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें कंपास का सेंटर P2 पे रखना है, F1 वाली लाइन पे कट करना है और F2 वाली लाइन पे भी कट करना है। तो ये हमने कंपास का सेंटर P2 पे यहां पे रखे और F2 वाली लाइन पे ये हमने ऐसा कट किया, देखो यहां पे कट गया। उतना ही डिस्टेंस कंपास का सेंटर P2 पे रखो और F1 वाली लाइन जो है उसके ऊपर भी कट करो। ये देखो हमने यहां पर कट करा और यहां पर कट करा, जहां पर भी कटा है वहां पर हम नेमिंग दे देंगे। तो हम इसको कहेंगे कुछ भी आप नेमिंग दो चलेगा, हम इसको कहेंगे M, यहां पे कटा और यहां पे जहां कटा वो है N। ठीक है, और अब कंपास में जितना डिस्टेंस लिए थे वही डिस्टेंस आपको कंटिन्यू करना है और M और N पे रख के आपको बीच में क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये हमने कंपास का सेंटर M पे यहां पे रखे। ठीक है, ये देखो ये हमने कंपास का सेंटर M पे रखे और यहां पे एक आर्क बना देंगे बीच में, हमने बना दिए। और अब कंपास का सेंटर हम N पे यहां पे रख लेंगे और वो जो आर्क आपने बनाए थे उसके ऊपर आपको दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। ये देखो यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, कंपास में जो डिस्टेंस था जो हमने पहले लिए थे वही डिस्टेंस का हमने यूज किया है और अब हमें नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहां पे पॉइंट मिल चुका है। कौन सा पॉइंट, ये देखो ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट को P2 से ज्वाइन करो। तो क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो हम P2 से ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन यहां पे बनेगी ये है नॉर्मल। ये देखो हमने नॉर्मल लाइन यहां पे बना लिए और अब अगर हमने नॉर्मल बना लिए हैं तो अब हमें टेंजेंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट कैसे बनाएंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए अब आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है। प्रोटेक्टर आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर का सेंटर आपको P2 के ऊपर रखना है और प्रोटेक्टर का जो जीरो डिग्री है वो ये नॉर्मल के ऊपर सेट करना है। ठीक है, तो ये देखो और आपको 90 डिग्री का यहां पे एंगल ले लेना है। तो ये देखो प्रोटेक्टर का सेंटर हमने P2 पे रखे और प्रोटेक्टर का जीरो डिग्री हम नॉर्मल के ऊपर रखेंगे और यहां पर 90 डिग्री का एंगल मार्क करेंगे। हमने एंगल मार्क कर लिए और जो हमने एंगल मार्क किए वो देखो हमने जो 90 डिग्री का एंगल जो हमने मार्क किए थे, जो जहां पे हमने पॉइंट मार्क किए उसको हम P2 से ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें टेंजेंट मिल जाएगा। तो ये देखिए फाइनली हमने टेंजेंट और नॉर्मल यहां पे ड्रॉ कर लिया है। टेंजेंट के ऊपर हमने लिख लिया है टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर यहां पे नॉर्मल, जो हमने टेंजेंट बनाया है उसके दोनों साइड में हमने यहां पे एरो दिया है। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको एरो देने के लिए कह रहे हैं तो आपको एग्जाम में भी एरो देकर टेंजेंट शो करना है, लेकिन अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर एरो नहीं देने के लिए कह रहे हैं तो आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमने पूरा सोल्यूशन यहां ड्रॉ कर लिया है और यहां पे हमने डायमेंशन भी लिख लिया है। देखो 100 mm जो उसका मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस 50 mm। आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय फिर से बता रहे हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, एलिप्स आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, टेंजेंट और नॉर्मल ये भी आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, जो डायमेंशन है वो आपको सेमी डार्क यहां पे दे देना है और जो भी आपको रेड कलर के पेन से यहां पे दिखाई दे रहा है वो आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना है, ये आप ध्यान में रखो। तो ये था एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड और ये हमने आज इसका फर्स्ट मेथड पढ़े। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे, वो भी वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो फाइनली ये आज का सोल्यूशन आपके सामने है, ये आपको अपनी ड्रॉइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये था आज का एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।